बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वाश टाइम्स, मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन आज हम दोबारा एक कोर स्टोरी के ऊपर, टॉप सिटी की वो स्टोरी है उसके ऊपर अब मुसलसल आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम्स मिलेंगे। जैसे जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं हम उस हवाले से प्रोग्राम्स करते जा रहे हैं। हमारा काम सिर्फ हक़ और सच की आवाज़ बुलंद करना है। टॉप सिटी के हवाले से आपको मालूम है कि 16 अप्रैल को मोइज़ ख़ान और उसके दीगर जो कारिंदे होते हैं वो वहाँ पर न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक जगह होती है, वहाँ पे वो कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। और जो वहाँ के मकीन थे, जिन लोगों की वो ज़मीनें थी, वहाँ पे उन्होंने मकानात यानी कमरे भी तामीर किए हुए थे, लेकिन वहाँ पे एक नायब तहसीलदार है ज़फ़र इकबाल, जो एक फ़र्ज़ी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है और मुबैना तौर पर ज़फ़र इकबाल ने भारी रिश्वत ली होती है मोइज़ ख़ान से, क्योंकि महकमा माल को मोइज़ ख़ान ने ख़रीदा हुआ है। और वहाँ पर बहुत से ऐसे काम, जिसमें मैंने कल के प्रोग्राम में आपको बताया था कि वहाँ पे टेम्परिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं और उस हवाले से फ्रांसिक रिपोर्ट भी मैं मौसूल हो चुकी है, वो कल हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कौन सी 19 कनाल की ज़मीन थी उसको कितना बनाया गया, 65 कनाल की ज़मीन को कितना बनाया गया। वो फ्रांसिक रिपोर्ट जो FIA की आई है जिसमें ये कहा गया है कि टेम्परिंग हुई है वो आपके सामने शेयर की जाएगी। लेकिन जो ज़फ़र इकबाल है, अभी तक कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने इस नायब तहसीलदार ज़फ़र इकबाल की रिश्वत की कहानियां ज़ुबान ज़दआम है। महकमा माल में आप चले जाएँ तो आपको ख़ुद मालूम होगा कि ज़फ़र इकबाल किस तरह पैसे वसूल करता है लोगों से। कोई भी जायज़ काम हो बग़ैर रिश्वत के महकमा माल के लोग काम नहीं करते। जहाँ तक कल हमने आपको बताया था, कमिश्नर रावलपिंडी ने एक मरासला जारी किया और उसमें मुंशियों के हवाले से कहा गया है कि कोई भी पटवारी अपने साथ प्राइवेट मुंशी नहीं रखेगा, लेकिन इसके बावजूद रावलपिंडी के जितने भी मौज़े हैं आप चले जाएँ वहाँ पे अभी भी प्राइवेट लोग यानी कि मुंशी काम कर रहे हैं और महकमा माल का ज़्यादातर काम मुंशी संभालते हैं। इस हवाले से रवात की भी एक स्टोरी आई है जिसमें एक मुंशी ने ज़मीन, लोगों की ज़मीन अपने ख़ानदान वालों के नाम कर दिया और वो शहरी अभी तक दर बदर की ठोकरें खा रहा है। उसने भी कई कंप्लेंट्स किए हैं, कई दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अभी तक उसकी दरख्वास्त के ऊपर अमल नहीं हुआ। एंटी करप्शन में भी दरख्वास्तें दी गई हैं। इसी तरह मोइज़ ख़ान के ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन में कई दरख्वास्तें हैं। आज जो प्रोग्राम है 16 अप्रैल मुकदमे के हवाले से है कि 570 नंबर मुकदमा दर्ज होता है मोइज़ ख़ान उसके दीगर लोगों के ख़िलाफ़। तो जब मुकदमा दर्ज होता है तो मोइज़ ख़ान और इसका एक कमांडर साद यसीन ख़ान ये अबूरी ज़मानत करवा लेते हैं और उसकी समाअत भी 2 दिन बाद यानी 11 मई को रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज करेंगे। लेकिन जो मुतासरीन है, इन मुतासरीन ने अब जो उनके मकानात गिराए गए, जो उनके कमरे गिराए गए, वहाँ पे दोबारा तमीरात करना शुरू की तो मोइज़ ख़ान और उसके कारिंदों ने दोबारा से इन लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो यसीन ख़ान है वो अब इन लोगों को मना रहा है, जबकि जो मोइज़ ख़ान है अभी तक इन लोगों को धमकियाँ दे रहा है। इस हवाले से एक दरख्वास्त इन मुतासरीन की जानिब से सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी को दी गई है, उस दरख्वास्त में जो मतन है। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे एक अहम बात बता दें कि मोइज़ ख़ान ने अपनी दिफा में एक रिट पिटिशन भी मूव की थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। वो रिट पिटिशन क्या थी, वो एक अलग से प्रोग्राम है, वो रिट पिटिशन भी खारिज होगी। पुलिस ने वहाँ पे रिप्लाई सबमिट करवाया कि मोइज़ ख़ान ने इन जो लोग हैं जो मुतासरीन हैं इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, वो रिट पिटिशन के हवाले से आपको बताएंगे कि इनके वकील मोइज़ ख़ान ने भी एक बहुत बड़े वकील की खिदमात ली हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी वकला की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेकिन जो सिटी पुलिस ऑफिसर को अप्लीकेशन दी गई है जो मुतासरीन 18 मुतासरीन की जानिब से, जो इसमें नाम लिखा हुआ है, एक है मेजर रिटायर्ड मोहम्मद यूसुफ इनकी जानिब से और एक असकर फेम खट्टक की जानिब से अप्लीकेशन मूव की गई है। साथ नीचे 18 मदई हैं। ये अप्लीकेशन में ये कहते हैं कि गुजारिश है कि मुकदमा नंबर 570/22 बजुर्म धमकियाँ देना, कब्ज़ा करना, चोरी करना, घर में दाखिल होना, 452 भी इस मुकदमे में ऐड कर ली गई और 452 ये जो दफ़ा ये नकाबले ज़मानत है। ये आप देखते हैं कि 11 मई को जो समाअत होनी है मोइज़ ख़ान की दरख्वास्त ज़मानत पर, क्योंकि एक तरफ जिस तरह मैंने आपको बताया कि यसीन ख़ान लोगों की मिन्नतें कर रहा है, पैचअप के चक्कर में है, लेकिन अब मोइज़ ख़ान उसी सूरत में बच सकता है जब इन मुदइयों से राजीनामा करेगा। जिनकी ज़मीनों पर मोइज़ ख़ान ने कब्ज़ा किया है वो ज़मीनें उनको वापस करेगा। सिटी पुलिस ऑफिसर को जो अप्लीकेशन दी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि नायब तहसीलदार ज़फ़र इकबाल हमरा पुलिस मौका पर आकर एक बेबुनियाद फर्जी कंपनी की अराजी को टॉप सिटी की तरफ से दी है, बेबुनियाद दरख्वास्त पर निशानदेही करने का ड्रामा रचाकर दूसरी तरफ से टॉप सिटी के मुँह जोर कानून शिकना इंतजामिया वगैरह और टॉप सिटी की हैवी मशीनरी के जरिए हमारी ज़मीनों पर बनी तामीरात को नुकसान पहुँचा और कब्ज़ा करने की नाकाम कोशिश करते हुए
कराई और हम मुतासरीन के सामान चोरी किया गया, जिस पर बाद हजार टॉप सिटी की इंतजामिया के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। टॉप सिटी ये गैर कानूनी हरकत करके एक रिट पिटीशन दायर की, जिसके जवाब में जिले पुलिस ने रिपोर्ट कब्जा सैलान के हक में दी, जिसकी वजह से रिट खारिज हो चुकी है। अब ये जो नीचे मुतासरीन ये कह रहे हैं कि हम दोबारा जो हमारे तामीरात गिराई गई हैं, अब हम वहाँ पर दोबारा तामीरात करना चाहते हैं, लेकिन टॉप सिटी के जो मालिक है मोइज़ खान, टॉप सिटी के मालिक कैसे बने, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं ये माजी का किस्सा है, लोगों को मालूम है माजी का किस्सा है, लेकिन आज तक किसी ने ऑन एयर नहीं किया ये चीज़ कि मोइज़ खान कैसे ये टॉप सिटी के मालिक बने, जो 25 से 35 हज़ार पे ज़ायदा परवीन के मुलाजिम थे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह उसने उस खातून का पता साफ किया और वहाँ पर कब्ज़ा काबिज बनकर बैठ गया। और अब आप देख लें कि मोइज़ खान के हवाले से कुछ दोस्त हमारे कहते हैं जी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल टैक्स पे करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि वो बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया है जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करता है। ये CPO को जो दरख्वास्त दी गई है, इसमें इन मुतासरीन ने यह मौक़ अपनाया कि अब हम तामीरात करना चाहते हैं, लेकिन हमें तामीरात नहीं करने दी जा रही। टॉप सिटी के मालिक मोइज़ खान और उनके कारिंदे हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और हमें ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे तामीरात ना करें। इस दरख्वास्त के एंड में जो लाइनें लिखी हैं वो ये है कि टॉप सिटी की इंतज़ामिया इससे कबल भी आपने मुख्तलिफ मुलाजमीन को ज़ख्मी करके मुखालफिन के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं और अब हमें ख़तरा है कि ये लोग दोबारा से हमारे ख़िलाफ़ भी इसी तरह का काम ना करें, अपने मुलाजमों को ज़ख्मी करेंगे और मुकदमा हमारे पे करवाएंगे। क्योंकि मोइज़ खान है बहुत चलाक, ज़ाहरी बात है जब मुनज़्ज़म एक मजबूत कब्ज़ा माफिया वो इस तरह के काम तो करेगा। लेकिन इन मुतासरीन ने जो CPO को दरख्वास्त दी है उसमें ये भी कह दिया कि अगर हमें कुछ होता है तो उसका ज़िम्मा टॉप सिटी के ऊपर होगा, टॉप सिटी की इंतज़ामिया के ऊपर होगा, टॉप सिटी के मालिक मोइज़ खान के ऊपर होगा। अब नाज़रीन आपको ये बता दें कि मोइज़ खान के हवाले से कई दरख्वास्त गुजार सामने आ चुके हैं, उन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा लिया है, पुलिस को भी दरख्वास्तें दी जा रही हैं। और अब होना क्या है कि मोइज़ खान के बचने के सिर्फ एक ही चांस है, या तो इन मुतासरीन से वो रजीनामा करेगा, इनकी ज़मीनों पर जो उसने कब्ज़ा किया हुआ है वो कब्ज़ा वापस करेगा, या इनकी ज़मीनें खरीदेगा जो रेट चल रहा है। क्योंकि ये लोग जो कब्ज़ा माफिया होता है ये इस तरह करते हैं कि शामलाती ज़मीन खरीद लेते हैं, हवाई खसरे खरीद लेते हैं और फिर कब्ज़ा कर लेते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें एक शख्स के पास 10 कनाल की ज़मीन है तो 10 कनाल खरीद कर तो 100 कनाल के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं, इन कब्ज़ा माफिया को ये वतीरा है। लेकिन अब जो 11 मई को दरख्वास्त जमानत पर समाप्त होनी है उस पर जो और मुतासरीन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, सिटी पुलिस ऑफिसर को भी दरख्वास्तें दी जा रही हैं और इन मदईयों को इन मुतासरीन को भी धमकियाँ दी जा रही हैं। इस हवाले से हमारे एक पुलिस ऑफिसर से बात हुई तो हमने उनसे पूछा कि एक खातून ने जो एप्लीकेशन मूव की थी उसके ऊपर जो रावलपिंडी की लोकल कोर्ट है उसका डिसीजन भी आया, तो उन्होंने कहा जी ये अब हम कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर तो कोर्ट ने कहा कि सेपरेटली FIR दर्ज की जाए तो फिर हम मोइज़ खान के खिलाफ सेपरेट FIR दर्ज करेंगे। उस पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना था कि मोइज़ खान और यासीन खान ने अबूरी जमानतें करवाई हैं, इंटरिम बेल पे हैं और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे पुलिस उनकी इंटरिम बेल की मुखालफत करेगी और कोशिश करेगी किसी तरीके से मोइज़ खान और इन लोगों की दरख्वास्त जमानत खारिज हो, क्योंकि इनके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं महकमा माल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सबूत सामने आ चुके हैं, जो मुतासरीन है जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासरीन अब सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो अदालतों में केस है 800 कनाल का एक केस है, फिर इसके अलावा टेम्परिंग के जो केसेज हैं, उस पुलिस ऑफिसर का ये भी कहना था कि टेम्परिंग के हवाले से भी हमारे पास कुछ लेटर्स हमें मौसूल हुए हैं जिसपे मोइज़ खान ने टेम्परिंग किया कागजात में और लोगों की ज़मीनों को 19 कनाल को 109 कनाल इस तरह 67 कनाल को 670 कनाल इस तरह की ज़मीनें बनाई गई हैं। वो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर हम कल कोशिश करेंगे कि जो इन मुतासरीन के वकील हैं उनके साथ भी गुफ्तगू करें, जो मुतासरा लोग हैं जिन्होंने ये केस भी फाइल किया हुआ है उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़बानी आपको सुनाएंगे कि मोइज़ खान किस तरह इन लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है कि आप अपना केस वापस लें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।